इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि अगर हमारे पास कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है तो उसमें किस तरह ट्रिक की हेल्प से टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आज हम लोग उन कंपाउंड को कंसिडर करेंगे जिसमें किसी तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और उसमें ट्रिक की हेल्प से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखते हुए स्ट्रक्चरल आइसोमर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। यानी कि आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन पांच टॉपिक पे फोकस करेंगे। जैसे अगर किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला के डीयू जीरो है तो उसमें किस तरह से अल्कोहल और ईथर बना सकते हैं, और इसी तरह अगर डीयू वन है तो उसमें टोटल एल्डिहाइड और कीटोन कितने बनेंगे, और डीयू अगर वन है तो इसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर पॉसिबल हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम ऐसे कंपाउंड जिनकी डीयू जीरो है उनसे कितनी डिफरेंट अमीन्स पॉसिबल है या फिर उनसे कितनी डिफरेंट एमाइड पॉसिबल है इसको भी सीखेंगे। हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चरल आइसोमर सीरीज का ये हमारे पास पार्ट थर्ड वीडियो है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हम लोगों ने डिटेल में ये सीखा था किसी भी कंपाउंड में किस तरह से डिटेल में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं, और इस वीडियो लेक्चर में हमारा फोकस ये होगा कि मॉलिक्यूल फॉर्मूला को देखते हुए किस तरह से ट्रिक के थ्रू उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में हमने ऐसा देखा है कि एल्केन में से एच को रिमूव करके जब एल्काइल ग्रुप बनाया जाता है तो किसी भी एल्केन से कितने पॉसिबल एल्काइल ग्रुप या रेडिकल बनाए जा सकते हैं। अगर उस वीडियो लेक्चर को यहाँ पे समराइज करें तो एल्काइल ग्रुप की अगर हम बात करें तो हमारे पास 1 से 6 तक के एल्काइल ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं। अगर मान लो कहीं हमारे पास CH3 है या मेरे पास इथाइल है तो ऐसे एल्काइल ग्रुप की और कोई फॉर्म नहीं हो सकती, ये केवल खुद ही होते हैं। जबकि प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल और हेक्साइल ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं इनके डिफरेंट फॉर्म पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे प्रोपाइल के केस में 2 एल्काइल ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं, ब्यूटाइल के केस में 4 हो सकते हैं, पेंटाइल के केस में 8 हो सकते हैं और हेक्साइल के केस में 17 हो सकते हैं। ये नंबर हमको बहुत अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की ट्रिक की। ट्रिक के लिए जिन एल्काइल ग्रुप की संख्या केवल 1 है उनको हम जूनियर एल्काइल ग्रुप मान लेते हैं, और जिन एल्काइल ग्रुप की संख्या ज़्यादा हो सकती है उन एल्काइल ग्रुप को हम सीनियर एल्काइल ग्रुप मान लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से ये नोट करनी है कि जूनियर एल्काइल ग्रुप और सीनियर एल्काइल ग्रुप हम सिर्फ ट्रिक के पर्पस से मान रहे हैं, इनमें से ना ही तो कोई जूनियर होता है और ना ही कोई सीनियर होता है। तो पहला काम तो हमने ये कर लिया कि कौन से ग्रुप को हमने ट्रिक के अकॉर्डिंग जूनियर मान लिया और कौन से ग्रुप को ट्रिक के अकॉर्डिंग हमने सीनियर मान लिया। अब कंपाउंड में पूरी ट्रिक को अप्लाई करते वक्त हमको सिर्फ 2 रूल्स का ध्यान रखना है। पहला रूल ये है कि अगर जूनियर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और जूनियर एल्काइल ग्रुप की संख्या कितनी भी हो, ऐसी कंडीशन में एल्काइल ग्रुप का टोटल करते वक्त हमको केवल 1 ही काउंट करना है। इसका मतलब किसी कंपाउंड में चाहे 1 मिथाइल प्रेजेंट हो या 1 से ज़्यादा मिथाइल प्रेजेंट हो या मिथाइल और इथाइल दोनों कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हो या 2 इथाइल प्रेजेंट हो, किसी भी कंडीशन में ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो उस वक्त हमें टोटल एल्काइल ग्रुप की संख्या सिर्फ 1 ही ऐड करनी है। रूल नंबर सेकंड, अगर जूनियर एल्काइल ग्रुप के साथ साथ सीनियर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में जूनियर एल्काइल ग्रुप की संख्या जो 1 ऐड करते थे वो अब ऐड नहीं करनी है। ऐसी कंडीशन में सिर्फ सीनियर एल्काइल ग्रुप की संख्या ही ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला की जिनकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 हो और उसमें हमें एल्कोहल और ईथर की संख्या निकालनी हो। तो सबसे पहले इसमें एल्कोहल को कंसिडर करते हैं। एल्कोहल के लिए अगर हमें सिर्फ टोटल नंबर ऑफ एल्कोहल निकालना है तो ROH से एल्कोहल की संख्या निकाली जाएगी, यानी जो भी आपका मॉलिक्यूल फार्मूला है उसमें से OH को माइनस कर देंगे, इसमें आपकी R की वैल्यू आ जाएगी। R यहाँ एल्काइल ग्रुप की संख्या है, जो भी एल्काइल ग्रुप की संख्या होगी वो उस कंपाउंड में टोटल एल्कोहल की संख्या हो जाएगी। अब अगर मान लो क्वेश्चन में हमसे टोटल नंबर ऑफ एल्कोहल ना पूछ कर ऐसा पूछता कि 1 डिग्री के या 2 डिग्री वाले या 3 डिग्री वाले कितने बनेंगे, तो इनको हम इंडिविजुअल अटैम्प्ट करते हैं। जब 1 डिग्री एल्कोहल की संख्या निकालनी हो तो क्वेश्चन को हम यहाँ से शुरू करेंगे, इसमें जो आपका मॉलिक्यूल फार्मूला है उसमें CH2OH को माइनस कर देंगे तो हमारे पास R एल्काइल ग्रुप की संख्या आ जाएगी। इसी तरह अगर 2 डिग्री एल्कोहल निकालना है तो क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करेंगे, इसमें जो आपका मॉलिक्यूल फार्मूला है उसमें इतना हिस्सा माइनस कर देंगे तो अगेन R की वैल्यू आ जाएगी। और 3 डिग्री एल्कोहल के लिए क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करना है, इतनी वैल्यू उसमें से माइनस करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान में ये रखना है कि जो हमारे पास 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल है उसमें जो R की वैल्यू है उसमें से एक CH2 ग्रुप को इधर शिफ्ट करना है,
और इसी तरह से थर्ड डिग्री अल्कोहल में आर की वैल्यू में से दोनों मिथाइल में 1/1 सी एस टू ग्रुप को शिफ्ट करना है और बनने वाले नए एल्काइल ग्रुप की संख्या को नोट कर लेना है। अब इस पूरी ट्रिक को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, यहाँ पे हमारे पास C4H10O दिया गया है और इस कंपाउंड में हमको टोटल नंबर ऑफ एल्कोहल निकालने हैं जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होने चाहिए। अगर टोटल नंबर ऑफ एल्कोहल निकालने हैं तो इसमें हम ROH वाली टेक्निक यूज करेंगे। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने यहाँ पे ROH लिख लिया। अब OH को इस पूरे फार्मूला में से माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। इस R की वैल्यू हमारे पास आएगी C4H9OH। अब C4H9 के जितने एल्काइल ग्रुप हमने लिखे थे वो नोट कर लेंगे और C4H9 के टोटल 4 एल्काइल ग्रुप बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि C4H10O जिस कंपाउंड की DU 0 है इसमें टोटल नंबर ऑफ एल्कोहल 4 बनेंगे। और अगर मान लो हमसे ये पूछा जाता कि C4H10O के कितने 1 डिग्री स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे तो इसके लिए 1 डिग्री वाली ट्रिक को यूज करेंगे। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे RCH2OH लिख लेंगे। अब जो हमारे पास ये CH2OH है उसको इस फार्मूला में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। इसमें R की वैल्यू हमारे पास आएगी C3H7CH2OH, ये कंपाउंड का फार्मूला बन जाएगा। अब जो ये C3H7 है इस एल्काइल ग्रुप की संख्या नोट कर लेंगे, इस एल्काइल ग्रुप की संख्या 2 आएगी, यानी कि जो हमारे पास टोटल 4 एल्कोहल बन रहे थे उसमें से 1 डिग्री एल्कोहल 2 बनेंगे। और अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता कि C4H10O के कितने सेकेंड डिग्री एल्कोहल बनेंगे तो सेकेंड डिग्री स्ट्रक्चरल एल्कोहल को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और जो मॉलिक्यूल फार्मूला C4H10O था उसमें से इस हिस्से को माइनस करके R की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें जो R की वैल्यू आती वो हमारे पास C2H5 आती, यानी R की जगह पे हम C2H5 लिख लेते हैं और पूरा फार्मूला एज इट इज वैसे का वैसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमको रूल नंबर 1 यूज करना पड़ेगा। रूल नंबर 1 क्या था, अगर हमारे पास जूनियर एल्काइल ग्रुप एक से ज्यादा हो तो इनकी संख्या केवल एक ही बार एक ही नोट की जाएगी, यानी कि इसका इंडिविजुअल एक था, इसका इंडिविजुअल एक था। अब दो काउंट ना करके चूंकि दोनों प्रेजेंट हैं हमको इनके एल्काइल ग्रुप की संख्या सिर्फ एक ही माननी पड़ेगी, यानी कि इससे हमारे पास एक सेकेंड डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। इतना करने के बाद ट्रिक में हमने ये भी नोट किया था कि इस R ग्रुप में से एक CH2 ग्रुप को यहाँ शिफ्ट करके बनने वाले एल्काइल ग्रुप के चेंजेस को नोट करना है। अगर यहाँ से एक CH2 ग्रुप को चेंज करेंगे तो बेसिकली यहाँ R कितना था, R यहाँ पे C2H5 था, इसमें से एक CH2 ग्रुप को आप इधर चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे हमारे पास C2H5 में से CH2 निकलने के बाद CH3 बच जाएगा, यहाँ पे CHOH वैसे के वैसे रहेगा और ये जो नीचे वाला CH3 ग्रुप था इसमें यहाँ से जब CH2 आएगा ये वाला ग्रुप बन जाएगा हमारे पास C2H5। अब चेंज करने के बाद जो हमारे पास नया ग्रुप बना है, ये नया मॉलिक्यूल बना है, इसको इसके साथ कंपैरिजन करके देखना है क्या ये दोनों सिमिलर है या दोनों डिफरेंट है। दोनों सिमिलर है क्योंकि इस कार्बन के साथ इसमें इथाइल और मिथाइल जुड़ा हुआ है, अगेन इसमें इस कार्बन के साथ मिथाइल और इथाइल जुड़ा हुआ है, ये दोनों सिमिलर होने के कारण अब इसमें जो हमने चेंज करा है, जो हमने CH2 ग्रुप को शिफ्ट करा है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इतना करने के बाद अब हम क्लियर कट कह सकते हैं कि C4H10O से अगर हम सेकेंड डिग्री स्ट्रक्चरल एल्कोहल की बात करें तो केवल एक ही बनेगा। और अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता कि C4H10O के कितने 3 डिग्री स्ट्रक्चरल एल्कोहल बनेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल की कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जो हमारे पास मॉलिक्यूल फार्मूला C4H10O था उसमें से इतना हिस्सा माइनस कर देंगे, माइनस करने पर हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर R की वैल्यू हमारे पास CH3 आएगी, यानी R की जगह पे हमने CH3 लिख लिया और बाकी पूरे का पूरा फार्मूला एज इट इज लिख लिया। साथ में अब हमको क्या करना है, अगेन इसमें रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे जूनियर ग्रुप की संख्या एक से ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में इनका अलग अलग एल्काइल ग्रुप ना जोड़कर केवल किसी एक का ही जोड़ा जाएगा, यानी इससे एक बनेगा। इसका मतलब ये हुआ C4H10O से स्ट्रक्चरल आइसोमर 3 डिग्री एल्कोहल की बात करें तो केवल एक 3 डिग्री एल्कोहल पॉसिबल होगा। अगर C4H10O के एल्कोहल के कंप्लीट रिजल्ट को समराइज किया जाए तो C4H10O से टोटल एल्कोहल 4 बन सकते हैं जिसमें से 1 डिग्री एल्कोहल 2 बनेंगे,
सेकेंड डिग्री अल्कोहल वन बनेगा और थर्ड डिग्री अल्कोहल वन बनेगा। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, अगर मान लीजिए C5H12O के हमको पॉसिबल अल्कोहल बनाने होते हैं और वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने होते हैं, तो इसके लिए अगर टोटल अल्कोहल निकालना है तो ROS से शुरू करेंगे, इस फार्मूले को इसमें से माइनस करेंगे तो R की वैल्यू C5H11 आ जाएगी। इसके अल्काइल ग्रुप टोटल 8 होते हैं, यानी कि C5H12O से टोटल पॉसिबल अल्कोहल 8 होंगे। अगर मान लो डिग्री ऑफ वाइज हमको अलग कैलकुलेट करने पड़ते हैं, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल के लिए क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको इसके फार्मूले से माइनस करते हैं तो R की वैल्यू C4H9 आती, जिसके टोटल 4 अल्काइल ग्रुप होते हैं। यानी इसका मतलब C5H12O के 1 डिग्री अल्कोहल टोटल 4 बनेंगे। सेकेंड डिग्री अल्कोहल की कैलकुलेशन के लिए फार्मूले को यहाँ से शुरू करेंगे, टोटल फार्मूले में से ये हिस्सा माइनस करेंगे तो R की वैल्यू हमारे पास C3H7 आ जाएगी। अब यहाँ पे रूल नंबर सेकेंड अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें सीनियर अल्काइल ग्रुप के साथ साथ जूनियर अल्काइल ग्रुप है। ऐसी कंडीशन में केवल सीनियर अल्काइल ग्रुप की संख्या ही नोट की जाएगी जो कि 2 होती है, यानी इस कंपाउंड से टोटल 2 अल्कोहल सेकेंड डिग्री बनेंगे। इसी तरह से अब यहाँ से एक CH2 ग्रुप को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, जैसे ट्रिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब यहाँ से एक CH2 ग्रुप आप यहाँ लेके जाओगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ CH2 ग्रुप माइनस होने पे ये C2H5 बन जाएगा, और CH2 ग्रुप इधर ऐड होगा तो ये CH3 ग्रुप में जब CH2 ऐड हो जाएगा ये बन जाएगा C2H5। अब यहाँ पे रूल नंबर 1 एप्लीकेबल होगा कि एक से ज़्यादा अगर जूनियर एल्काइल ग्रुप है तो केवल किसी एक एल्काइल ग्रुप की संख्या ही नोट की जाएगी। अब टोटल सेकेंड डिग्री अल्कोहल हमारे पास 3 आ गए, यानी C5H12O के टोटल सेकेंड डिग्री अल्कोहल 3 पॉसिबल है। अब बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल की। 3 डिग्री अल्कोहल के लिए आप क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें ये हिस्सा माइनस करोगे तो R की वैल्यू आ जाएगी। R की वैल्यू हमारे पास इथाइल आई। अब इस कंपाउंड में रूल नंबर फर्स्ट लागू होगा। रूल नंबर फर्स्ट क्या था, एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है तो ऐसी कंडीशन में आपको केवल एक ही ऐड करना है, तो इससे हमारे पास एक थर्ड डिग्री अल्कोहल बनेगा। इसके साथ साथ इस R में से आपको CH2 ग्रुप इधर भी चेंज करके देखना पड़ेगा और इधर भी चेंज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास R की वैल्यू इथाइल है। अगर आप यहाँ से CH2 निकाल के इधर देते तो इधर इथाइल बन जाता और ये मिथाइल बन जाता, या आप इस इथाइल में से CH2 इधर देते तो इधर इथाइल बन जाता और इधर मिथाइल बन जाता, इसका मतलब वो सेम ही कंपाउंड बनता। तो इस वक्त हमारे इस कंपाउंड में ये जो CH2 ग्रुप की शिफ्टिंग है या चेंज है, इंटरचेंज जो है, ये वैलिड नहीं रहेगा। अब पूरे रिजल्ट को समराइज करते हैं। C5H12O के टोटल 8 स्ट्रक्चरल अल्कोहल पॉसिबल है, जिसमें से 1 डिग्री अल्कोहल 4 बनेंगे, सेकेंड डिग्री अल्कोहल 3 बनेंगे और थर्ड डिग्री अल्कोहल 1 बनेगा। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ईथर की। अगर मान लीजिए हमारे पास किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है और उसमें हमको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक ईथर निकालने हैं, तो क्वेश्चन को आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें से OCH3 को माइनस कर देंगे, इससे आपके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या आ जाएगी, और जो भी इस अल्काइल ग्रुप का टोटल नंबर बनेगा वो उसके ईथर की संख्या आ जाएगी। फिर क्या करना है, इस अल्काइल ग्रुप में से एक CH2 ग्रुप को इधर शिफ्ट करना है, और ये शिफ्टिंग जब तक करनी है जब तक आपके पास डिफरेंट आइसोमेरिक ईथर ना बनते जाएं। एग्जांपल नंबर 3, अगर C4H10O के जिसकी ड्यू 0 है, इसमें हमको टोटल ईथर की संख्या निकालनी है और वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होने चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस फार्मूले में से अगर ये फार्मूले का इतना हिस्सा माइनस कर देंगे तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास R की वैल्यू C3H7 आएगी और बाकी पूरा हिस्सा एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इसमें रूल नंबर सेकंड एप्लीकेबल होगा। रूल नंबर सेकंड क्या था कि जूनियर अल्काइल ग्रुप के साथ अगर सीनियर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसी कंडीशन में सीनियर अल्काइल ग्रुप की संख्या ही नोट की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सीनियर अल्काइल ग्रुप की संख्या जो है यहाँ पे 2 बनेगी, यानी इससे हमारे पास 2 इथर पॉसिबल हो गए। अब क्या करना है, यहाँ से एक CH2 ग्रुप को यहाँ शिफ्ट करना है, और ये शिफ्टिंग एग्जाम्पल में जब तक करनी है जब तक हमको डिफरेंट ईथर मिल रहे हैं। जब यहाँ से CH2 ग्रुप आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ CH2 ग्रुप माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा मेरे पास C2H5। ओ वैसे के वैसे लिख लिया। अब जब यहाँ का CH2 ग्रुप आप इधर दोगे तो ये CH3 था, इसको CH2 मिल गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H5। अब चेक करके ये देखना है कि ये कंपाउंड पहले वाले कंपाउंड के सेम है डिफरेंट है, ये कंपाउंड डिफरेंट है। अब इसमें रूल कौन सा लागू होगा, इसमें रूल फर्स्ट लागू होगा कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा
जूनियर एल्काइल ग्रुप है तो किसी एक की संख्या को नोट किया जाएगा, यानी इसमें केवल एक ही ईथर पॉसिबल है। अब बनने वाले इस ईथर में से इस साइड में से वापस एक सी एस टू ग्रुप को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। जैसे ही यहाँ से एक सी एस टू ग्रुप को माइनस करते हैं, यहाँ पर सी एस थ्री ग्रुप बच जाएगा और यहाँ का सी एस टू ग्रुप जब इसको मिल जाएगा तो ये जो सी टू एच फाइव ग्रुप था ये सी थ्री एच सेवन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इससे अगर यहाँ से सी एस टू ग्रुप को चेंज करते हैं तो वापस हमारे पास यही ईथर बन जाता, इसलिए इस वाले ईथर में किसी भी तरह की सी एस टू की शिफ्टिंग नहीं करेंगे। अब अगर रिजल्ट को समराइज करें तो C4H10O के टोटल तीन ईथर पॉसिबल हैं। एग्जांपल नंबर फोर, अगर हमारे पास कंपाउंड का मॉलिक्यूल फार्मूला C5H12O दिया गया है जिसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जीरो है और इसमें हमको टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक ईथर निकालने हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगेन इस क्वेश्चन को आप यहाँ से शुरू करोगे। ये हिस्सा इसमें से माइनस करने के बाद आपके पास आर की वैल्यू C4H9 आएगी। अब इस कंपाउंड के लिए रूल नंबर सेकंड यूज होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग जूनियर एल्काइल ग्रुप के साथ साथ सीनियर एल्काइल ग्रुप है तो ऐसी कंडीशन में केवल सीनियर एल्काइल ग्रुप की संख्या नोट की जाएगी जो कि टोटल फोर आएगी, यानी इससे टोटल फोर टाइप्स के इथर पॉसिबल है। इसी तरह से अब क्या करेंगे, यहाँ से एक सी एस टू ग्रुप रिमूव करके इधर शिफ्ट कर देंगे। जब यहाँ से एक सी एस टू ग्रुप रिमूव करेंगे तो ये ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, ये सी थ्री एस सेवन में चेंज हो जाएगा और एक सी एस टू इसको मिल जाएगा तो ये सी एस थ्री ग्रुप सी टू एच फाइव में चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों ईथर को आपस में कंपेयर करेंगे, अगर ये डिफरेंट है तो आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। क्योंकि ये डिफरेंट है इसलिए इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अब इसमें रूल कौन सा लगेगा, इसमें अगेन रूल सेकंड लगेगा कि जूनियर एल्काइल ग्रुप के साथ साथ सीनियर एल्काइल ग्रुप है तो केवल सीनियर एल्काइल ग्रुप की संख्या नोट की जाएगी जो कि टू है, यानी इस कंपाउंड से टोटल दो ईथर पॉसिबल है। अब अगेन एक सी एस टू ग्रुप यहाँ शिफ्ट करोगे, जब यहाँ से सी एस टू ग्रुप माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा सी टू एच फाइव में और एक सी एस टू ग्रुप इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास सी थ्री एच सेवन में। अब इसको इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, क्या ये दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्डेड है उसके एक तरफ इथाइल है दूसरी तरफ प्रोपाइल है, और इसमें भी ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्डेड है एक तरफ प्रोपाइल है दूसरी तरफ इथाइल है, ये दोनों सिमिलर होंगे। इसका मतलब जो थर्ड केस जो हमने लिया है उसको आगे प्रोसीड नहीं करना है, उसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो ये आया कि C5H12O के टोटल सिक्स ईथर पॉसिबल है। अब मान लो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि C5H12O के पॉसिबल मेटामर्स बनाओ, तो ऐसी कंडीशन में हमको ये ध्यान रखना है कि जो ईथर होता है वो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है और उससे बनने वाले सभी टाइप के जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं वो मेटामर्स ही होते हैं, और ऐसी कंडीशन में CI और PI को कंसिडर नहीं किया जाता। इसको डिटेल में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के पहले वीडियो में डिस्कस किया था। नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन व्हेन मॉलिक्यूल फार्मूला हैविंग DU1। तो एल्डिहाइड के लिए आपके क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करना है, जो भी आपका मॉलिक्यूल फार्मूला है उसमें से ये हिस्सा माइनस करना है, जो भी R की वैल्यू आएगी उसके टोटल एल्काइल ग्रुप लिख लेने हैं, वो हमारे पास एल्डिहाइड की संख्या आ जाएगी। अगर कीटोन की संख्या पूछी जाए ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन को आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, इस हिस्से को आपके मॉलिक्यूल फार्मूला में से माइनस कर दोगे, जो R की वैल्यू आएगी वो हमारे पास टोटल कीटोन्स हो जाएंगे। फिर क्या करना है, इस R की वैल्यू में से जो भी आपके पास वैल्यू है उसमें से एक सी एस टू ग्रुप को इधर शिफ्ट करना है, और इधर शिफ्ट करने के बाद क्या नया कीटोन्स बनता है, अगर नया कीटोन बनता है तो उसके एल्काइल ग्रुप की संख्या को ऐड करके टोटल कीटोन्स की संख्या निकाल लेनी है। एग्जाम्पल नंबर फाइव, अगर मान लो हमारे पास मॉलिक्यूल फार्मूला C5H10O है और इससे हमको एल्डिहाइड और कीटोन्स पूछे जाते, तो सबसे पहले एल्डिहाइड को इस फार्मूले से शुरू करते, इसमें जो मॉलिक्यूल फार्मूला था उसमें से CHO को माइनस कर देते तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाती जो कि इस केस में C4H9 होती। इसके टोटल एल्काइल ग्रुप 4 होते हैं इसलिए C5H10O के टोटल एल्डिहाइड 4 हो जाते। कीटोन्स की संख्या निकालने के लिए आपको क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता, ये हिस्सा जब मॉलिक्यूल फार्मूला में से माइनस करते तो आपके पास एल्काइल ग्रुप की संख्या C3H7 आ जाती। अब इसमें रूल नंबर सेकंड एप्लीकेबल होता कि जूनियर एल्काइल ग्रुप के साथ साथ सीनियर एल्काइल ग्रुप है तो ऐसी कंडीशन में सीनियर की संख्या ही नोट की जाएगी जो कि टोटल इसके एल्काइल ग्रुप 2 होते, यानी इस फार्मूले से दो कीटोन्स पॉसिबल है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक सी एस टू ग्रुप को इधर शिफ्ट करेंगे, जैसे यहाँ से एक सी एस टू ग्रुप माइनस करोगे ये खुद बन जाएगा सी टू एच फाइव, ठीक है, और जब इसका एक सी एस टू आप इधर दे दोगे ये था सी एस थ्री,
CH2 इसमें ऐड हो गया, ये बन जाएगा हमारे पास C2H5। तो चेंज करने पर ये हमारे पास जो कीटोन आया, इसको इस कीटोन के साथ कंपेयर करके देखेंगे, ये इंटायरली डिफरेंट कीटोन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ इथाइल है, जबकि इसमें दोनों तरफ एक जगह मिथाइल और एक जगह प्रोपाइल है। अब इस कंपाउंड के लिए रूल नंबर फर्स्ट लागू होगा, इसके अकॉर्डिंग एक से ज्यादा अगर जूनियर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो केवल किसी एक की संख्या ही नोट की जाएगी, यानी इससे हमारे पास एक कीटोन पॉसिबल है। अब क्या करेंगे, अगेन यहाँ से एक CH2 इधर शिफ्ट करेंगे, जैसे एक CH2 आप यहाँ से शिफ्ट करोगे, ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, और एक CH2 इसको मिल गया, ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा C3H7 में। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और बाकी सभी कीटोन्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये दोनों कीटोन बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप में एक तरफ CH3 दूसरी तरफ C3H7 है, और इस कंपाउंड में कीटो में एक तरफ C3H7 दूसरी तरफ CH3 है, तो ये दोनों कंपाउंड सेम है, इसलिए इस कंपाउंड को अब आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। अगर पूरे रिजल्ट को समराइज करें तो जो C5H10O है, इससे टोटल एल्डिहाइड 4 पॉसिबल होंगे, टोटल कीटोन की बात की जाए तो टोटल कीटोन्स इससे 3 पॉसिबल होंगे। नंबर थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर व्हेन मॉलिक्यूल फार्मूला हैविंग DU1। इसके लिए क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की कैलकुलेशन के लिए आपको क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करना है। अब जो भी आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें से ये पार्ट को माइनस कर देना है, जिससे आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी, और जो भी R की वैल्यू आएगी उसके एल्काइल ग्रुप नोट कर लेने हैं, उससे कार्बोक्सिलिक एसिड की टोटल संख्या आ जाएगी। अगर मान लो आपको एस्टर निकालना है तो एस्टर की कैलकुलेशन के लिए आपको मॉलिक्यूल को हमेशा यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। अब क्या करना है कि इससे इस पार्ट को आप उसके मॉलिक्यूल फार्मूला से माइनस करेंगे तो आपके पास R की वैल्यू हो जाएगी, उस R की वैल्यू के आपको एल्काइल ग्रुप नोट कर लेने हैं। फिर एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि इस R की वैल्यू से इस साइड में आपको CH2 ग्रुप को ट्रांसफ़र करना है, और बार बार चेक करना है कि अगर नया एस्टर बन रहा है तो उसके पुराने रूल से एल्काइल ग्रुप की वैल्यू को नोट करते जाना है। ये चेंज जब तक करना है जब तक आपके पास डिफरेंट एस्टर बनते जाए। एग्जाम्पल नंबर 6, अगर मॉलिक्यूल फार्मूला C5H10O2 है और इस कंपाउंड के टोटल पॉसिबल कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर निकालने हैं, तो सबसे पहले अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो क्वेश्चन को हम इस फार्मूला से स्टार्ट करेंगे, ये वाला पार्ट इस मॉलिक्यूल फार्मूला में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास R ग्रुप की वैल्यू आ जाएगी जो कि C4H9 होगी, बाकी का हिस्सा एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इसमें जो हमारे पास C4H9 ग्रुप है, इसके टोटल 4 एल्काइल ग्रुप होते हैं, यानी कि इस कंपाउंड के यानी मॉलिक्यूल फार्मूला C5H10O2 के टोटल 4 कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल होंगे। इसी तरह अगर एस्टर को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको एस्टर को इससे शुरू करना पड़ेगा, जब ये पूरा पार्ट इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे जो R की वैल्यू आएगी वो C4H9 आएगी। तो सबसे पहले C4H9 के एल्काइल ग्रुप नोट कर लेने हैं, अगेन इसके एल्काइल ग्रुप 4 होंगे। अब क्या करना है, इस C4H9 से एक CH2 ग्रुप को इधर शिफ्ट करना है, जैसे ही CH2 ग्रुप यहाँ आएगा इस H के साथ मिलकर वो CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे एक CH2 ग्रुप कम हो जाएगा, तो यानी कि ये मॉलिक्यूल फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, CH3CO और यहाँ बच जाएगा हमारे पास C3H7। अब इसमें रूल नंबर 2 लगेगा कि जूनियर ग्रुप के साथ अगर सीनियर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में सीनियर एल्काइल ग्रुप के ही आपको टोटल ग्रुप ध्यान में रखने हैं, तो इसलिए इसके टोटल जो ग्रुप होंगे वो हमारे पास 2 होंगे, यानी इस फार्मूला से आपके पास 2 एस्टर और आ गए। अब फिर क्या करेंगे, अगेन यहाँ से एक CH2 इधर शिफ्ट करेंगे तो ये ग्रुप C2H5 बन जाएगा और ये ग्रुप C2H5 बन जाएगा, यानी जो हमारे पास नया एस्टर बनेगा उसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, C2H5 देन C OH और इधर बचा हुआ रह जाएगा C2H5। अब इसमें रूल नंबर 1 लगेगा कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा जूनियर एल्काइल ग्रुप है तो ऐसी कंडीशन में किसी एक का ही आपको एल्काइल ग्रुप की संख्या नोट करनी है, तो इसमें आपको एल्काइल ग्रुप की संख्या 1 नोट हो जाएगी, तो यहाँ तक हमारे पास टोटल 7 एस्टर बन गए। अब क्या करना है, वापस यहाँ से एक CH2 इधर शिफ्ट करना है और फिर चेक करना है, तो इससे नया हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाएगा C3H7C OH और यहाँ बच जाएगा CH3। अब इस बने हुए एस्टर को
इसके साथ कंपेयर करना है, क्या ये दोनों एस्टर डिफरेंट है या दोनों एस्टर सेम है। ये दोनों एस्टर इंटायरली डिफरेंट है, कारण क्योंकि तो इसमें जो C3H7 ग्रुप है वो सिंगल बॉन्डेड O के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि इसका C3H7 C से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से इस साइड में CH3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि इस साइड का CH3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये दोनों एस्टर डिफरेंट है। अब इसमें रूल कौन सा लगेगा, इसमें रूल सेकंड लगेगा कि जूनियर एल्काइल ग्रुप के साथ सीनियर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपको सिर्फ सीनियर एल्काइल ग्रुप की संख्या ही नोट करनी है, तो इसके एल्काइल ग्रुप का टोटल हमारे पास 2 हो जाएगा। अब मान लो एक बार और CH2 अब चेंज करते हैं, सपोज यहाँ से CH2 अब चेंज करते हैं, तो इस साइड C4H9 हो जाता, तो ये हमारे पास बन जाता C4H9 देन C डबल बोन O O और यहाँ बच जाता H। क्यों बच जाता H, क्योंकि यहाँ CH3 था, आपने CH2 इधर रिमूव करके इधर ले गए, तो यहाँ बच गया H। अब इस कंपाउंड को हमको कंसिडर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हम एस्टर की कैलकुलेशन कर रहे हैं और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है, यानी कि जो हमने लास्ट एस्टर बनाया था इसके बाद इसमें कोई भी CH2 ग्रुप को इधर शिफ्ट नहीं करना, तो यहाँ से इसको जो कार्बोक्सिलिक एसिड था हम रिमूव कर देते हैं। अब बात करते हैं इसके कंपाउंड के कंप्लीट रिजल्ट की। अगर C5H10O2 की बात करें तो इसमें 4 कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं और टोटल जो है इसमें 9 एस्टर्स बनते हैं। नंबर 4, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की DU 0 है तो ऐसी कंडीशन में उसमें एलिफेटिक अमीन्स की संख्या किस तरह से निकाली जाती है। चूंकि अमीन्स 3 तरह की होती है, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, इसकी डिग्री इस बात पर डिसाइड करी जाती है कि इस नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे जो R है अगर वो एल्काइल ग्रुप है तो ऐसी कंडीशन में इसके साथ केवल एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, यानी ये नाइट्रोजन केवल एक कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, इसलिए 1 डिग्री अमीन होगा। जबकि अगर इस केस को देखें तो यहाँ पे N जो होगा वो 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, इसलिए 3 डिग्री अमीन होगा। 1 डिग्री अमीन की कैलकुलेशन के लिए आपको इससे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, जो भी आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें से आपको NH2 माइनस कर देना है, आपके पास R की वैल्यू हो जाएगी और R के टोटल एल्काइल ग्रुप को नोट कर लेना है, 1 डिग्री अमीन की कैलकुलेशन हो जाएगी। 2 डिग्री अमीन के लिए आपको क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करना है। अब क्या करना है, इतना पार्ट माइनस करने के बाद जो R की वैल्यू आएगी वो आपके पास टोटल एल्काइल ग्रुप रखने के बाद 2 डिग्री अमीन हो जाएगी। इसमें एक चीज़ का और ध्यान में रखना है कि यहाँ से अब CH2 ग्रुप को यहाँ चेंज करना है, गलती से भी इसके CH2 ग्रुप को यहाँ चेंज नहीं कर देना है, क्योंकि मान लो आपने यहाँ से एक CH2 ग्रुप यहाँ ले गए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पास CH3 बन जाएगा, तो ये तो आपकी 3 डिग्री अमीन हो जाएगी, जबकि आप कैलकुलेशन कर रहे हो 2 डिग्री अमीन की। तो आपको इस R में से हर बार एक CH2 इधर मिथाइल में ऐड करके चेक करना है क्या नई अमीन्स पॉसिबल है क्या। इसी तरह 3 डिग्री अमीन में आपको क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है, इतना हिस्सा या मॉलिक्यूल फार्मूला में से माइनस कर दोगे तो आपके पास R की वैल्यू हो जाएगी और उसके टोटल एल्काइल ग्रुप रख के 3 डिग्री अमीन की कैलकुलेशन हो जाएगी। क्योंकि इसमें दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप है इसलिए इस R से दोनों साइड में 1/1 CH2 ग्रुप को शिफ्ट करके चेक करेंगे क्या इसमें नई अमीन्स पॉसिबल है क्या, और जब तक चेक करते जाएंगे, जब तक शिफ्ट करते जाएंगे, जब तक आपके पास न्यू अमीन्स आ जाती हैं। नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ एलिफेटिक अमाइड्स और मॉलिक्यूल फार्मूला के DU हमारे पास है 1। ऐसी कंडीशन में अमाइड भी अमीन्स की तरह 3 टाइप्स की होती हैं, इसमें भी सेम उसी तरीके से डिग्री कैलकुलेट की जाती है कि अगर अमाइड में ये नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बेस पे इसकी डिग्री होगी। जैसे इस वक्त ये नाइट्रोजन केवल एक कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इसलिए ये 1 डिग्री अमाइड है, और इसमें ये नाइट्रोजन जो है वो 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इसलिए 3 डिग्री अमाइड है। 1 डिग्री अमाइड की कैलकुलेशन हमेशा यहाँ से स्टार्ट करनी है कि जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें से इतना हिस्सा माइनस कर देना है, इससे आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी और इस एल्काइल ग्रुप के टोटल संख्या लिखने पर 1 डिग्री अमाइड की कैलकुलेशन हो जाएगी। 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड में सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि यहाँ पे आपको H रखने के बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करना है, यानी 2 डिग्री अमाइड को आप इससे शुरू करेंगे और 3 डिग्री अमाइड को आप इससे शुरू करेंगे। इसके बाद जब इतना हिस्सा आप मॉलिक्यूलर फार्मूला में से माइनस कर दोगे तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी और R एल्काइल ग्रुप की जितनी टोटल संख्या है वो हमारे पास 2 डिग्री अमाइड आ जाएगी। उसके बाद क्या चीज़ करनी है, इस R में से एक CH2 ग्रुप को यहाँ शिफ्ट करना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे शिफ्ट नहीं करना है, अगर एक CH2 आपने इस R से यहाँ शिफ्ट कर दिया तो वो 3 डिग्री अमाइड हो जाएगा, जबकि हम कैलकुलेशन 2 डिग्री अमाइड की कर रहे हैं, इसलिए हमेशा इस R एल्काइल ग्रुप से एक CH2 आपको इधर शिफ्ट करते जाना है
और जब तक शिफ्ट करते जाना है जब तक आपके पास डिफरेंट अमाइड बनती जाए और वो भी सेकेंड डिग्री बनती जाए। इसी तरह से 3 डिग्री अमाइड को आप इससे शुरू करोगे, जब इतना हिस्सा मॉलिक्यूल फार्मूला में से माइनस कर दोगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी और उसकी टोटल संख्या लिख कर 3 डिग्री अमाइड की कैलकुलेशन हो जाएगी। 3 डिग्री अमाइड में एक काम और आपको करना है कि इस आर में से यहाँ भी CH2 ग्रुप को शिफ्ट करना है और यहाँ भी CH2 ग्रुप को शिफ्ट करना है और दोनों साइड में CH2 ग्रुप को 1 by 1 शिफ्ट करना है और ये शिफ्टिंग तब तक करनी है जब तक आप डिफरेंट 3 डिग्री अमाइड बनाते जाओगे। तो गाइज आई होप आपने इस वीडियो लेक्चर के थ्रू ट्रिक से कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं बहुत अच्छे से सीखा होगा। वीडियो के रेस्ट पार्ट में टोटल 6 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आदर स्लो डाउन करके इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है और आंसर को मैच करना है। आई होप आपने क्वेश्चन सोल्व करे होंगे। दीज आर द आंसर्स। C6H13NO के टोटल 1 डिग्री अमाइड 13 बनेंगे, सेकेंड डिग्री अमाइड 20 बनेंगे, थर्ड डिग्री अमाइड 11 बनेंगे। इसी तरह C5H11NO के 1 डिग्री अमाइड 4, सेकेंड डिग्री अमाइड 9 और थर्ड डिग्री अमाइड 5 बनेंगे। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड में C5H13N के 1 डिग्री अमीन 8, सेकेंड डिग्री अमीन 6 और थर्ड डिग्री अमीन 3 बनेंगे। इसी तरह से C6H15N के 1 डिग्री अमीन 17, सेकेंड डिग्री अमीन 14 और थर्ड डिग्री अमीन 7 बनेंगे। अमीन्स के केस में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें समटाइम्स POC को यूज़ करके अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मान लो इस फार्मूले के अपने ऐसे क्वेश्चन देते कि C6H15NA की कितनी अमीन्स ऐसी हैं जो आपको कार्बल अमीन टेस्ट देती हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कार्बल अमीन टेस्ट जो है वो 1 डिग्री अमीन्स का होता है, इसलिए उस वक्त हमारा आंसर 17 आ जाता। इसी तरह से वीडियो को पॉज करके इन थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर आंसर को मैच करना है। आई होप आपने ये भी क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे। दीज आर द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड में C6H12O2 में टोटल 8 कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे और 20 इसमें इस्टर्स बनेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर फोर्थ में C4H8O के टोटल एल्डिहाइड 2 होंगे जबकि कीटोन इसमें केवल 1 बनेगा। अब आपके डिवाइस की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स डिस्प्ले है, वीडियो को पॉज करके इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना है। आई होप आपने क्वेश्चन सोल्व करे होंगे। दीज आर द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में C6H14O के 1 डिग्री एल्कोहल 8 बनेंगे, सेकेंड डिग्री एल्कोहल 6 होंगे, 3 डिग्री एल्कोहल 3 होंगे और अगर ईथर की बात की जाए तो 14 ईथर्स बनेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सिक्स में C3H8O से 1 डिग्री एल्कोहल 1 बनेगा, सेकेंड डिग्री एल्कोहल 1 बनेगा और 3 डिग्री एल्कोहल की पॉसिबिलिटी नहीं होगी और ईथर की बात करें तो ईथर केवल 1 बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस में समटाइम अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि इन कंपाउंड में कितने मेटामर्स पॉसिबल हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको केवल ईथर ही बनाना है, अल्कोहल को ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि ईथर के जो आइसोमर्स होते हैं वो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होने के कारण एक दूसरे के मेटामर्स होते हैं। तो गाइज आई होप आपके सभी 6 क्वेश्चन करेक्ट हुए होंगे। वीडियो के किसी भी एग्जाम्पल या फिर इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।